हमको पतंग उड़ाना सिखाओगी? पतंग उड़ा के दिखाओ तो, जब पतंग बनाइयो। मुझे नहीं पता, देखे ये मिनी पतंग है ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम माई डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल साबरा यूसुफ अंसारी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक है, और आप लोग की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक है। देखिए आज का ब्लॉग अभी स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो देखिए आज हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं सीख रही हूँ लैपटॉप से एडिटिंग कैसे किया जाता है। अभी तक मैं जितना भी एडिटिंग की हूँ वो सब मोबाइल से की हूँ, तो लेकिन आज मैं सीखूँगी कि लैपटॉप से एडिटिंग कैसे किया जाता है। और सिखाएगा कौन? अरमान, ये सिखाएंगे मेरे को लैपटॉप से एडिटिंग करना। बिल्कुल बिल्कुल पूरा बता। और एक छोटी सी स्टोरी बताने वाली हूँ जो मेरे लाइफ से रिलेटेड है, मेरे बारे में है, और कुछ दिन के बाद के लिए ये स्पेशली इस ड्रेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो पता है कि ये ड्रेस जो है रिलायंस ट्रेंड में मैं गई थी खरीदने के लिए, तो ये ड्रेस मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, तो और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया था, तो मैं उनसे बोली कि लेने के लिए। और इस ड्रेस का प्राइस जो था वो 3000 था, और रिलायंस ट्रेंड का कूपन देने के बाद भी इसका प्राइस ऑलमोस्ट 2600 के पास हो रहा था। तो उस वक्त मेरे हस्बैंड के पास तो मेरे हस्बैंड बोले, उनको भी लेने का मन था, ऐसा नहीं है कि नहीं था, उन्हें भी लेने का मन था ये ड्रेस। पर बोल इस ड्रेस के हिसाब से ऐसे तो ये ड्रेस काफ़ी सिंपल है और बस प्यारा लग रहा था, इसलिए मुझे लेना था ये ड्रेस। तो मेरे हस्बैंड को ये ड्रेस अच्छा लगा था, बट प्राइस की वजह से वो ले कि रहने दो, अगर इस प्राइस में इससे कुछ बेहतर मिल जाएगा तो फिर हम लोग देख लेंगे। तो उस वक्त मैं अंदर ही अंदर थोड़ा सा गुस्सा थी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बोला और मैं चुपचाप से घर चली गई। देन मैं थोड़ा सा अपसेट थी, और मेरे हस्बैंड बार बार पूछ रहे थे कि अगर तुमको ये ड्रेस चाहिए तो फिर बोलो, मैं ले रहा हूँ अगर तुम्हें पसंद है तुम्हारी खुशी के लिए, लेकिन मुझे इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो हम बोले कि नहीं, और हम गुस्सा में ऐसे ही सो गए थे, हम कुछ बोले नहीं। और पता नहीं उस वक्त मेरे माइंड में क्या आया, मैं सो गई, सो के उठने का अचानक से मेरे माइंड पता नहीं क्या आया कि मैं उस वक्त ऐसे, तो मैं जब भी गुस्सा होती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे तो मुझे जल्दी गुस्सा आता नहीं है, लेकिन जब गुस्सा होती हूँ तो बहुत ज़्यादा कुछ बोलने लगती हूँ। लेकिन उस दिन मैं कुछ भी नहीं बोली, मैं बस चुपचाप आके सो गई थी। और सो के उठने के बाद अचानक से पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया, मैंने आई थॉट कि चलो मैं अजियो में चेक कर लेती हूँ इसको, क्योंकि रिलायंस ट्रेंड का ही जो ऑनलाइन पार्ट है अजियो, तो मैं सेम ड्रेस का मैं मतलब ब्लैक ड्रेस ऐसे सर्च की, तो सेम ड्रेस का प्राइस 1200 समथिंग कुछ शो कर रहा था। देन इंस्टेंटली आई वॉज लाइक सो हैप्पी आई वॉज, कि उस वक्त मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि कभी कभी कुछ ना बोलने से, सब्र कर लेने से भी अल्लाह ताला जो है आपके लिए कुछ ना कुछ वो रास्ता निकाल लेते हैं। और उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि कभी कभी सब्र करने से अल्लाह आपको उससे बेहतर कुछ अता करते हैं। और फिर उस दिन से मतलब लाइफ में हर एक मोमेंट और हर एक स्टोरी जो होता है इंसान को कुछ ना कुछ सिखाता है। देन उस दिन मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि अगर उस दिन मैं कुछ बोल देती गुस्सा में तो शायद मुझे बहुत अफसोस हो जाता, लेकिन उस दिन मैं कुछ नहीं बोली। और अचानक से फिर मैं सोने वक्त भी मैं गुस्सा थी, और गुस्सा में मुझे जब भी गुस्सा ज़्यादा आता है तो मैं अक्सर सो जाती हूँ, लेकिन उस दिन मैं कुछ भी नहीं बोली, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र था। और तो बस ये छोटी सी कहानी है, इससे मतलब ये कहानी से बस इतना ही सीखने को मिलता है कि कभी कभी इंसान जो है अगर थोड़ा सा सब्र कर लेता है और अगर खामोश रहता है तो इंसान को अल्लाह ताला उससे कुछ बेहतर ज़रूर अता करते हैं। तो वैसे पतंग उड़ा के दिखा दो, जब पतंग बनाइयो। मुझे नहीं पता, देखे ये मिनी पतंग है ना। मिनी मिनी मतलब छोटा, मिनी मतलब छोटा, हाँ।
आज है फ्राइडे और मैं जा रही हूँ आज बनाने तहरी। और पता नहीं इसे हर स्टेट में इसे अलग नाम से जाना जाता है, कुछ लोग इसे ये खिचड़ी भी कहते हैं, बट मैं मतलब वेस्ट बंगाल में हम लोग इसे तहरी बोलते हैं। और देखिए इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा। मैं आज बना रही हूँ सिर्फ 1 ग्लास चावल का तहरी, ठीक है। तो जैसा कि आज मेरे हस्बैंड नहीं है तो सिर्फ 2 लोगों के लिए बना रहे हैं, तो 2 लोगों के लिए बनाने के लिए सिर्फ 1 ग्लास चावल जो है वो काफ़ी होता है। ये देखिए इसके लिए मैंने 3 जो है आलू लिए हैं और ये मटर। पहले इसको मैं छील लेती हूँ, मटर और आलू को छील के इसे बॉईल कर लूँगी और बॉईल करने के बाद इसे फ्राई करूँगी। ये देखिए मैं इस ग्लास से ग्लास से थोड़ा सा कम है चावल, मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और ये जो राइस है वो छोटी दाने वाली राइस है, इसका नाम है गोपी भोग राइस, छोटी दाने वाली राइस है। तो आज मैं इसका यूज़ कर, ऐसे तो मैं आज तक इस राइस का कभी यूज़ नहीं की हूँ, लेकिन बना के देखती हूँ इसका कैसा बनता है राइस। इसके लिए मैंने इतना मटर लिया है एंड यू कैन यूज़ आल्सो गोभी, अगर ये ऑप्शनल है आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके जगह मीट भी डाल। और ये है ऑनियन, 1 ऑनियन मैंने कट कर लिया है और इसमें ग्रीन चिलीज है और ये है टोमेटो, गाजर नहीं है, ये है टोमेटो और गाजर है, कोरिएंडर। और यहाँ पे मैं अदरक लहसुन ले ली हूँ इसको पीसने के लिए, इसका पेस्ट बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे का प्रोसेसिंग करते हैं। ये देखिए इस वाले में मैंने आलू को बॉईल करने के लिए मैं चढ़ा दे रही हूँ, जिसमें मैं अ पिंच टर्मरिक एंड 1/2 टीस्पून सॉल्ट, अब इसको इसमें भी 1/2 टीस्पून जो है सॉल्ट यूज़ करेंगे हम लोग। अच्छा यहाँ लाइटिंग की थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम होती होगी, बिकॉज यहाँ पे लाइट जो है वो छोटी वाली बल्ब है और ये अपोजिट साइड से मतलब पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अच्छा अब इसको यहाँ एक तरफ आलू बॉईल होने दे रहे हैं और एक तरफ ये गोभी है एंड यानी कॉलीफ्लावर है और ये मटर है, इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा एक तरफ हम लोग यहाँ पे जो चावल के लिए है प्रिपेयर कर लेंगे, जिसमें हम लोग यूज़ कर रहे हैं पहले ऑयल डालेंगे, मस्टर्ड ऑयल, आप चाहे तो रिफाइन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये 4 जो है इलायची, अगर आपके पास तेज पत्ता है तो तेज पत्ता भी ज़रूर यूज़ करें, बट मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो मैं इसे स्किप कर रही हूँ। और एक बड़ी इलायची और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा इसमें ऐड कर लें। ये मैं अब इसमें डाल रही हूँ ऑनियन लहसुन, बट ये अदरक लहसुन ज़्यादा हो गया है तो मैं इसे कल के लिए रख देंगी, इसमें से मैं सिर्फ 1/2 यूज़ करूँगी, वरना ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा और मुझे ज़्यादा स्पाइसी चाहिए नहीं, सो इसे मैं रख दूँगी कल के लिए। इसमें मैं यूज़ करूँगी 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और ये है 1 टीस्पून जीरा। अब मैं इस फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ। टेबलस्पून काली मिर्च, टेबल स्पून सॉल्ट,
1.5 टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं। ये बॉईल हो चुका है, इसका भी फ्लेम ऑफ कर देंगे। अभी इसका सीटी नहीं खोलेंगे, तब तक ये मसाला पकाएंगे हम। 1/2 टीस्पून, अच्छा मैं भूल चुकी थी कि इसमें राइस भी है, तो इसमें जो है लहसुन का पेस्ट और ऐड कर लेंगे थोड़ा सा। मैं डाल दूँ पानी। जब तक ये मसाला भून रहा है तब तक मैं इस आलू को फ्राई कर लेती हूँ, और इसमें जो वो भी है उसको मैं हल्का ऑयल डाल के फ्राई कर लूँगी। लेकिन मटर इसमें फ्राई नहीं करना, बिकॉज मटर फ्राई करने से क्या फट जाता है, तो मटर फ्राई नहीं करना है। ओके ऐसे कहाँ है यहाँ पे गोभी और आलू जो है फ्राई हो चुके हैं, और यहाँ मटर भी बॉईल हो चुका है, और यहाँ पे मसाला जो पक रहा है, जब मसाला से ऑयल रिलीज हो जाएगा उसके बाद इसमें चावल डाल के हम लोग भूनेंगे। ठीक है, मेरा चावल जो है जब इसमें चिपकने लगेगा तो समझ लीजिए ये भून चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी ये, और उसके बाद से मटर, और उसके बाद देखिए इसके अंदर क्या। इसमें सब कुछ डाल के भून चुकी हूँ। अब जितना चावल है, 1 गिलास चावल है, तो 2 गिलास उसमें पानी डालूंगी, इसका डबल। और उसके बाद इसमें ये जो है इसको भूनना नहीं है, इसको ऊपर से स्प्रेड कर देना है। ये देखिए इसमें मैंने अब धनिया की पत्ती और इसमें टोमेटो ऐड कर लिया। इसके बाद अगर आपके पास रोज़ वाटर या केवरा वाटर अवेलेबल है तो उसको थोड़ा सा इसमें डाल दें। और जो बिरयानी में जो हम लोग गर्म मसाला जो यूज़ करते हैं पिसा हुआ, उस गरम मसाला को थोड़ा सा डाल दें इसमें। रोज़ वाटर, केवरा वाटर और 2-3 ड्रॉप जो है इसमें मैंने मीठा अतर डाल दिया। अब मैं इसे कवर कर लूँगी, और बस 1 विशल आने के बाद मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसी में छोड़ दूँगी। अरमान मेरे लिए लाइटिंग का इंतज़ाम कर रहे हैं ताकि मुझे वीडियो शूट में प्रॉब्लम ना हो। ये हो चुकी है मेरी तहरी रेडी, देखने में तो अच्छी लग रही, खा के बताती हूँ कैसी बनी है। ये देखिए तहरी का फाइनल लुक, मैंने जो बनाया तहरी, मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं बनाऊँ उसकी रेसिपी शेयर कर दूँ। और दूसरा, जैसा कि आज फ्राइडे है तो मैं फ्राइडे के दिन हमेशा ऑलमोस्ट मैं कोशिश करती हूँ जो भी व्लॉग मैं फ्राइडे को बनाती हूँ या फ्राइडे को मैं व्लॉग एंड करती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ बातें मैं बता सकूँ लोगों को। क्योंकि मेरा व्लॉग बनाने का सिर्फ मकसद ये नहीं है कि मैं रेसिपी शेयर करूँ या लोगों के साथ मैं जहाँ भी जाऊँ सिर्फ अपने व्लॉग में ये दिखाऊँ, बट मैं ये चाहती हूँ कुछ अच्छी बातें और कुछ पॉजिटिव बातें भी शेयर कर सकूँ लोगों के साथ, और कुछ इस्लामिक नॉलेज वैसे जो मेरे पास है। वैसे तो मुझे भी बहुत कुछ नहीं पता है, पर जितना पता है मैं जितना करती हूँ और जितना बता सकती हूँ उतना ज़रूर कोशिश करती हूँ शेयर करने की। तो आज है फ्राइडे, और फ्राइडे इवनिंग में अगर आप चाहते हैं कि लोगों की अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला लोगों के दिलों में आपके लिए बेपनाह इज्जत भर दे, तो ये एक वजीफ़ा है जिसको आप फ्राइडे इवनिंग में मगरिब के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद इसे ज़रूर पढ़ें 41 बार या मोइज़ो पढ़ें, और अल्लाह से दुआ करें
कि अल्लाह आप अल्लाह ताला आप लोगों के दिलों में आपके लिए बेपनाह इज्जत भर दें। और दुनिया में कौन ऐसा शख्स है जो नहीं चाहता है कि लोग इसकी इज्जत करें, उसकी इज्जत करें। सो एक छोटी सी वजीफा है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस आज का व्लॉग ही आज के लिए इतना ही, और बने रहिए मेरे हर ब्लॉग में, और दुआ में याद रखना, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग, और प्लीज़ मेरे व्लॉग को स्किप करके ना देखा करें। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं व्लॉग के साथ।